सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। चक्रवात आसानी को लेकर चेतावनी जारी। ओडिशा में होगी भारी बारिश। लू को लेकर मौसम विभाग ने किया अलर्ट। एनआईए की बड़ी कार्रवाई। मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबियों के 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे ने बढ़ाया सियासी पारा। पोस्टर वॉर पर प्रशासन का एक्शन। लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा विवाद के बीच बोले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शिवसेना को खत्म करने की हुई नाकाम कोशिश। बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव का अभियान किया तेज। 500 डॉक्टर पार्टी में हुए शामिल। आपराधिक घटनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी योगी सरकार। अफसरों को भी दंडित करने के निर्देश। देवबंद से गिरफ्तार तलहा के मोबाइल डाटा छानबीन में जुटी एटीएस। पूछताछ के दौरान मिली कई अहम जानकारियां। महंगाई को लेकर भाजपा पर बरसे सपा चीफ अखिलेश यादव का, हर दिन सरकार कर रही डबल डकैती। जेलों में कैदियों से कराया जाएगा गायत्री और महामृत्युंजय मंत्र का जाप। कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति का निर्देश। मेरठ में एलईडी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री योगी दिखेंगे चौराहे का इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अचानक पहुंची यूक्रेन, जताया समर्थन। कनाडा ने यूक्रेनी आयातों पर 1 साल के लिए सभी व्यापार शुल्क हटाए। कोरोना के बाद अब ब्रिटेन में मिला मंकीपॉक्स वायरस का मामला। सख्त लॉकडाउन के कारण शंघाई में मचा हाहाकार। भोजन और आवश्यक सामान की कमी से जूझ रहे लोग। G7 नेताओं ने यूक्रेन को सैन्य और रक्षा मदद जारी रखने की घोषणा की। पुतिन पर साधा निशाना। चेन्नई सुपर किंग्स की धमाकेदार जीत। दिल्ली कैपिटल्स 91 रनों से हराया। दिलचस्प हुई प्लेऑफ की राह। रणवीर सिंह ने विराट कोहली पर जताया भरोसा। कहा T20 वर्ल्ड कप 2022 में दिखाएंगे अपना जलवा। दिलचस्प हुई पर्पल कैप जीतने की रेस। 21 विकेट लेकर हर रंगा दे रहे चहल को चुनौती। मोइन अली की फिरकी में फंसे दिल्ली के बल्लेबाज। चेन्नई को मिली सीजन की 4थी जीत। फिनिशर दिनेश कार्तिक के बल्ले ने फिर उगली आग। हैदराबाद के खिलाफ 375 के स्ट्राइक रेट से बनाए रन। अक्षय कुमार ने मजबूती में की थी दी कश्मीर फाइल्स की तारीफ। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का खिलाड़ी कुमार पर आरोप। 100 दिन बाद हॉस्पिटल से घर आई प्रियंका। निक की नन्ही परी एक्ट्रेस ने दिखाई बेटी की पहली झलक। सिंघम एक्ट्रेस काजल अग्रवाल पर मदर्स डे कविता चोरी करने का लगा आरोप। ट्रोल होने पर ओरिजिनल राइट्स को दिया। लॉकअप शो जीतने के बाद अपने घर पहुंचे मुनव्वर। सड़कों पर उमड़ी भीड़।
आभास की फिल्म प्रोजेक्ट के में दिशा पटानी की एंट्री, एक्ट्रेस ने जाहिर की खुशी। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।